हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, वो काली के पास पासपोर्ट है। ट्रू कंपनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरे कृष्णा। तो अभी हम हो गए हैं इंस्टेंट रेडी, सुबह जल्दी, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों, बता दी क्यों गा? बिना नहाए धोए कुछ नहीं करा, सिर्फ ब्रश करा। ऐसे अपन बिना नहाए तो अच्छा लगता है। और तो हम सब रेडी हो के खड़े हैं बाहर तो अभी बस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इसका मुंह काजल ने पैक कर दिया ताकि मुस्कान को नहीं खाए। हाँ मुझे ही खाई गया जी। आज इसके पार्लर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ इसको पार्लर ले जा रहे हैं तो मुझे पैक करके ले जा रहे हैं। लगने लग गया ना वो। अब बाहर देखो मेरी मम्मा। हाँ अरे पता क्या करता है इसके। तो इस टाइम क्या हो रहा था कि काली बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब इसको भागने की लग रही थी कि मैं कहाँ आ गई, कैसे लेके जा रहे हैं मुझे। बट उसके बाद ना एक बार उसने ट्राई भी किया था बट ठीक है सेटल हो गई। हमने काजल ने उसको सेटल कर दिया। शिवानी की खिलाती रहती है सबसे बड़ा टास्क है बस हम चुपचाप इसे शांति से कर ले जाए। चलिए हमारा डेस्टिनेशन आ गया। आ गया भाई इसके कूदो। ठीक है भैया हम यहीं। थैंक यू। तो हम आ गए पैक मेडिक्स हमारी मैडम। 10-in-1 का चार्जिंग 40 rupees। मुझे इसमें जानना है कि इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है। एसके मोड पे आ गई है। इसका वेट ही नहीं हूँ। 15 kilos मेरे हिसाब से तो आप 9-in-1 लगवा लो। ठीक है 9-in-1। और रेबीज? रेबीज आप रेबीज की लगवा लो। दोनों भर जाएंगे आज ही। नहीं हो गया घुरारी है दर्द हो रहा क्या? अरे पार्लर में लाया है बेटा आपको। हाँ पेडीक्योर हो रहा है। अरे 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 नहीं 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 ये खुद ही घबरा रही है। बस हो गया इतना ही था। इतना ही था। पिटेगी तेरी बहन तेरे को मारेगी आप उसमें। नहीं हो गया फिर आप अच्छा अच्छा फील करोगे बेबी। कभी नेल कटाई नहीं जैसे? नहीं हमने कभी कटाई नहीं। पर हमने कोशिश भी करी बहुत कि कैसे काटेंगे क्या करेंगे। इसमें इतने वेटनरीज नहीं है आप मानोगे नहीं। यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट वो है और उसमें नहीं बेबी बेबी कालो कटा दिया। रोना वेन बढ़ जाएगी तो कटेंगे भी नहीं।
और हम खुद तो काट नहीं सकते इसके। नहीं आप मत काटना, आप काटोगे तो काट दो ब्लीडिंग हो जाएगी, तो जहाँ 150 दो 3,000 लगा दोगे। नहीं नहीं हम रिस्क भी नहीं लेना। क्या हो गया? आप लोग तो सब प्रोफेशनल होते हैं। नेल कटिंग में क्या है, जैसे अपने तो दिखते हैं क्लियर, तो अगर पेड़ हो जाता तो फिर ना बेहतरीन क्यों होता है ना। हाँ तुम्हारे पास चीजें हैं सही करने के लिए। सही बात है, पर ये तो इसकी एक्स्ट्रा स्किन ही जा रही होगी ना, जो अपने रहते हैं ना देखो एक्स्ट्रा वाले वही जाते हैं। अगर बेन आएगी ना तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, बस वो भी रोकने के लिए है। लेकिन जब आप लोग काटोगे तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल भी होगी। हम नहीं कर सकते इसका ट्रीटमेंट। आप लोग होम सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करते हम जैसे डॉगीज के लिए, हमारे जैसे डॉगीज के लिए? हाँ क्या करें, घर में अगर जाएंगे ना हाँ तो ये दिक्कत होते हैं, घर में ये कंट्रोल में नहीं होते हैं ज़्यादातर। जैसे पेट है ना आपका अभी इतना ये कंट्रोल में है ना, ये बहुत कंट्रोल में। अगर आप घर पे जाते ना आपके तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका घर होता है ना तो शेर होते ही शेर बन जाते ये हल्की से हल्का सा छोट रखा ये यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पे भी है इसका। चलो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, चलो खाली चलो। इसका फिक्स वेट है 16, आप समझ में आ रहा है। काजल इसके लिए ट्रीट ले रही है। अच्छा ये फिश वाला है। डेली फीड 5 to 8 पाउचेस फॉर 5 to 10 केजी ऑफ डॉग। फाइनली इसका पार्लर सैलर का काम हो गया, इसकी वैक्सीन भी हो गई, अब ये रिलैक्स्ड है। कल क्या लिया था तुमने? हमारे पासपोर्ट नहीं है पर काली के पास पासपोर्ट है। दिखाती हूँ, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है पर काली के पास पासपोर्ट है। ट्रू कंपेनियन पासपोर्ट है इसका। आज का बिल दिखाती हूँ इसका। इसकी इसके बारे में डिटेल्स बताइए। आई एम द ओनर ऑफ दिस डॉग। ओह माय गॉड, तो ये हमारा इसका डिटेल्स है सारा, पासपोर्ट है इसका, ये मैडम जी का। काजल के पास पासपोर्ट नहीं है, इसके पास पासपोर्ट है भाई। और ये इसकी वैक्सीन का वो डिटेल्स लिखी हुई है, DON। इसका वेट 16 कीजिए, आज की तारीख में इसका 16 किलो वजन है। ये बस फिट रहे तो बाकी सब कुछ ठीक है ना कालू? आप फिट रहो तो बाकी तो सब फिट ही है। रेस्ट कर ले भाई, बैठ जा। अब उसको ऐसे हो गया ना कि हाँ इसमें आते करते हैं। अब पता है ऐसे आए थे इसी। कालू नीचे बैठो, बैठो। नहीं और वहाँ पे तो मैं इसको देख के घबरा गई यार। जैसे यार अपन को भी कोई ऐसे पकड़ ले तो अपन भी तो ऐसे करेंगे ना, कैसे पकड़ लिए। पर मैं जैसे हाँ नेल्स कट चुके हैं। Still having paneer। ये हमारा तीसरा दिन है पनीर खाते हुए, और ये तो गलती से आया है। देखो इसका तो क्या ही बताऊं, ये तो गलती से आ गया। खाएंगे हम फिर भी खाएंगे, रूम नहीं दिखा सकता, बहुत कचरा हो रखा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमें बस 10 मिनट में खाना खा के रेडी होना है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक और सुंदर जगह। बैक टू बैक प्लान्स हैं, बहुत बिजी लोग हैं।